माइक्रो इकोनॉमिक सेकंड यूनिट है ये प्रोडक्शन फंक्शन अब प्रोडक्शन यानी क्या ये पूछ सकते कन्वर्ट ऑफ इनपुट जो आउटपुट यानी कन्वर्जन करना है इनपुट को रो मटेरियल को आउटपुट के अंदर यानी जो क्वांटिटी है आउटपुट की वो क्वांटिटी ऑफ इनपुट पे डिपेंड करती है इसको फंक्शनल रिलेशनशिप बोलते हैं यहाँ पे देखो तो क्यू यानी क्वांटिटी ए बी सी डी यानी चार क्वांटिटीज के ऊपर किसकी इनपुट की लैंड लेबर कैपिटल एंटरप्रीनियर पे डिपेंड करती है अब शॉर्ट रन प्रोडक्शन फंक्शन कैसे समझना है ये याद रखिएगा कि उसको लॉ ऑफ वेरिएबल प्रपोशन से उसमें कुछ फैक्टर्स कांस्टेंट रहते हैं और कुछ फैक्टर्स चेंज होते हैं द प्रोडक्शन फंक्शन कैन बी स्टडीड बाय चेंजिंग द क्वांटिटीज ऑफ ऑल फैक्टर इनपुट्स ये लॉन्ग रन की बात है इसमें ऑल फैक्टर इनपुट्स सब के सब चेंज होते हैं तो इसमें खाली इनपुट और आउटपुट के बीच की स्टडी अपने देखते हैं और इसको समझने के लिए हमारे पास है ये शॉर्ट रन जिसमें आपको एक एमसीक्यू भी है इसमें क्वांटिटीज ऑफ फैक्टर कीपिंग द क्वांटिटीज ऑफ अदर फैक्टर्स इज कॉन्स्टेंट कम से कम एक फैक्टर को कॉन्स्टेंट रखा जाएगा और किसी एक फैक्टर को ही अपने चेंज करेंगे एक फैक्टर को चेंज करेंगे बाकी सारे फैक्टर्स को कांस्टेंट रखेंगे तो शुरुआत में आउटपुट इंक्रीज होता है इंक्रीजिंग रेट पे पहला फिर डिमिनिशिंग रेट पे इंक्रीज होगा और उसके बाद में डिक्लाइन होगा अब इसमें में पहला है टेक्नोलॉजी कॉन्स्टेंट रहती है मतलब टेक्नोलॉजी बदलती नहीं है फैक्टर्स आर आइडेंटिकल यानी जो भी फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है वो कैसे रखे जाते हैं सेम यानी क्वालिटी में सेम होमोजीनियस अब पहला इंक्रीजिंग रिटर्न देखो इसमें टोटल प्रोडक्ट यहाँ देख सकते हो आप तो टीपी जो है वो इंक्रीज हो रहा है अप टू पॉइंट पॉइंट एफ एफ तक अपने हाँ देखेंगे वो इंक्रीज होता है आपके पेम्पलेट में आई लिखा होगा एंड उसके बाद में टीपी इंक्रीज इज एट एन इंक्रीजिंग रेट एंड आफ्टर दैट इंक्रीज इज एट एन रेट एम इंक्रीज होता है रीच इज इट्स मैक्सिमम एट द पॉइंट और एच पॉइंट के ऊपर अपने में शायद यहाँ पे टी लिखा हुआ ए पी गोज ऑन राइजिंग अब ये क्यों होता है उसके पीछे का रीजन तो ये याद रखिएगा दोनों रीजन को इन डिविजिबिलिटी ऑफ फिक्स फैक्टर यानी फिक्स फैक्टर्स बहुत ज्यादा है और बिगिनिंग में फिक्स फैक्टर्स ज्यादा होते हैं और वेरिएबल फैक्टर्स कम होते हैं जब ज्यादा वेरिएबल फैक्टर्स अपने एम्प्लॉय करेंगे तो फैक्टर का बेटर यूटिलाइजेशन होता है इसको इनडिविजिबिलिटी का फायदा बोला जाता है और डिविजिबिलिटी ऑफ वेरिएबल फैक्टर्स प्रोडक्शन जब वर्क को हम डिवाइड करते हैं वेरिएबल फैक्टर्स के अंदर तो इसमें इंक्रीजिंग रिटर्न पॉसिबल है क्योंकि लॉन्ग टाइम तक सेम काम करते रहेंगे तो वो स्पेशलाइज हो जाएंगे अब सेकंड स्टेज यहाँ एच पॉइंट से पे खत्म होता, होता है एफ से शुरू होता है ये राइट यहाँ पे आउटपुट इंक्रीज होने का जो टेंडेंसी वो कम हो गया यानी एपी यहाँ पे आप देख सकते हो यहाँ पे फॉल करना शुरू कर देता है लेकिन अभी भी वो पॉजिटिव है लेकिन इसके खत्म होने तक एम पी जीरो हो जाता है ये स्टेज के खत्म होने तक एम तो, पी जीरो तीन एम सी इसके अंदर पहला टीपी डिमिनिशिंग रेट पे इंक्रीज होता है और मैक्सिमम पॉइंट पे आ जाता है दूसरा एम पी फॉल होता है और बिकम जीरोज एपी फॉल होता है लेकिन पॉजिटिव रहता है इसमें एपी और एमपी वेरिएबल फैक्टर दोनों के कंटिन्यूसली फॉल करते रेशनल प्रोड्यूसर क्या चाहेगा कि टू चूज विल चूज टू प्रोड्यूस इन दिस स्टेज एंड सो वेरियल वेरिएबल वेरिएपोशन उसको अपने क्या बोलेंगे दूसरा नाम लॉ ऑफ डिमिनेशन रिटर्न टू बोलेंगे उसको राइट right? तो एपी तीनों तीन चीजों पर ध्यान दीजिए आप कि यहाँ पे जीरो हो जाता है पहले तो एम और एपी स्टार्ट फॉलिंग लेकिन पॉजिटिव रहता है टीपी इंक्रीज होता है लेकिन डिमिनिशिंग रेट के ऊपर और मैक्सिमम पॉइंट के ऊपर वो पहुंचेगा एच के ऊपर अब स्कैरसिटी उसके पीछे तो है, है लेकिन अभी भी हमने फिक्स फैक्टर को उतना ही रखा है तो फिक्स फैक्टर्स हमारे लिए स्केर्स हो जाते हैं क्योंकि तो उसके सामने क्वांटिटी ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न ऑफ प्रोडक्शन आर नॉट परफेक्टली सब्सटीट्यूट यानी कब होता है एक दूसरे के साथ में सब्सटीट्यूट नहीं कर सकते यानी फिक्स फैक्टर्स अगर नहीं है तो मैं उसको वेरिएबल फैक्टर से रिप्लेस नहीं कर सकता इसलिए डिमिनिशिंग रिटर्न आता है अब स्टेज ऑफ नेगेटिव रिटर्न ये नेगेटिव रिटर्न की बात है देखो नेगेटिव रिटर्न में टीपी फॉल्स टीपी फॉल करना शुरू करेगा और एमपी बिलो एक्सेक्सिस यानी नेगेटिव हो जाता है वो एमपी बिकम्स नेगेटिव और कॉन्शियस स्टेज में पूछ सकते हैं है और एपी कंटिन्यूसली फॉल करता है लेकिन अभी भी पॉजिटिव है ये स्टेज को नेगेटिव रिटर्न मार्जिनल प्रोडक्ट हर वेरिएबल कॉस्ट की नेगेटिव आती जाती है क्वान्टिटी ऑफ वेरिएस बिकम टू मच क्यों होता है फिक्स फैक्टर की कंपेरिजन में अब प्रोड्यूसर स्टेज वन में प्रोड्यूस नहीं करेगा विल नॉट इन स्टेज टू टू चूज प्रोड्यूस इन स्टेज वन बिकॉज अभी भी उसके फिक्स फैक्टर्स अंडर यूटिलाइज है तो कारण पूछे तो आपको ये कारण लिखना अंडर यूटिलाइजेशन दस स्टॉप इन स्टेज वन बट विल नॉट स्टॉप सॉरी विल नॉट स्टॉप इन स्टेज वन लेकिन वो अपने एक्सपांड करेगा और उसके बाद में सेकंड स्टेज की बात करो तो लास्ट में पहले थर्ड स्टेज तो यहाँ पे प्रोड्यूसर थर्ड स्टेज को भी सिलेक्ट नहीं करेगा क्योंकि यहाँ पे वेरिएबल फैक्टर वो बहुत ज्यादा है इसलिए वो वेरिएबल फैक्टर को रिड्यूस करने की ट्राई करेगा द रेशनल प्रोड्यूसर जो रेशनल प्रोड्यूसर है वो क्या करेगा रेशनल प्रोड्यूसर सेकंड स्टेज के अंदर सिलेक्ट करेगा तो याद रखना ये एमसीक्यू में आ सकता है क्योंकि यहाँ पे एम इक्वल टू जीरो हो जाए वहां तक तो टीपी मैक्सिमम है यानी प्रोडक्शन मैक्सिमम है इसलिए अब आइसो क्वान आइसो कॉस्ट इन डिफरेंस सीखने के बाद ये बहुत आसान हो जाता है देखियो यहाँ पे आउटपुट यानी क्वांटिटी किस पे डिपेंड करती है क्वांटिटी ऑफ आउटपुट डिपेंड करती है क्वांटिटी ऑफ इनपुट के ऊपर तो यहाँ पे अपने एल के एल डी लिखा है इसमें लेबर कैपिटल और एल डी यानी लैंड यहाँ पे लिखा हुआ है लेकिन हमने लैंड और कैपिटल देखना है यहाँ पे आईसी और दोनों के बीच में आइसोकॉन्ट के बीच में क्या रिलेशन हो बताया गया अब यहां देखो प्रॉपर्टीज बेसिक वैसी है सेम जैसे आगे आपने देखी थी ईपीसी डाउनवर्ड स्लोपिंग फिर उसके बाद लिखा गया है कॉन्वेक्स टू ओरिजिन फिर टू आइसोकॉन्ट कभी भी एक दूसरे को कट करत नहीं करते और हायर आइसोकॉन्ट यानी हायर लेवल ऑफ आउटपुट डाउनवर्ड स्लोपिंग तो ये तीनों दिन वैसे ही एक्सप्लेन करने जैसे वहां पे इसलिए मैं यहाँ पे ज्यादा एक्सप्लेन नहीं करता हूँ फिर कॉन्वेक्स टू ओरिजिन इसलिए क्योंकि आप देख सकते हो कि यहाँ पे सब्सटीट्यूशन मार्जिनल रेट ऑफ टेक्निकल सब्सटी या मार्जिनल सिग्निफिकेंस ऑफ लेबर वो है ना सेम नहीं रहना चाहिए डिक्लाइन होना चाहिए इसलिए और दो आइसोकॉन कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेंगे और हायर आइसोकॉन का मतलब हायर लेवल ऑफ आउटपुट होता है लिस्ट कॉस्ट बहुत है देखो प्रोड्यूसर स्टेट पे उसको मैक्सिमम प्रॉफिट मिलेगा लिमिटेड रिसोर्स के आउटपुट तो मैक्सिमाइज करना और दूसरा मिनिमाइजिंग द इनपुट को मिनिमाइज करना ये दो कंडीशन फुलफिल होनी चाहिए तो है। तो यहां पे हमको दो चीजों की जरूरत पड़ेगी और दूसरा है आइसो लाइन की ये दो अलग अलग लाइन की जरूरत पड़ेगी अब ईपीसी इसमें भी दो अलग अलग फैक्टर्स का कॉम्बिनेशन है जो सेम लेवल ऑफ आउटपुट प्रोड्यूस करते हैं अब यहाँ पे भी अपने लिए देखो एमआरटीएस वाला ये सेम राइट रखना है वाई अपॉन एक्स पहले बराबर से देखिए ऊपर वाई नीचे एक्स लेकिन प्राइस ऑफ एक्स प्राइस ऑफ वाई है यहाँ पे फिर एम और प्राइस रेशियो टू फैक्टर्स ये भी यहाँ पे प्राइस लाइन है या तो इक्वल कॉस्ट लाइन जिसको बोला जाता है अपने में थोड़ा अलग से तीन अलग अलग ऐसे ड्रॉ किए गए लाइन एक ही है वैसे ड्रॉ किया गया है हमको खाली कंडीशन याद रखनी है इसमें डिटेल में नहीं जाना है स्लोप ऑफ ई और स्लोप ऑफ आईसी लाइन सेम होना चाहिए और कॉन्वेक्स ओरिजिन जैसा इंडिफरेंस का में वही सेम अभी एक्सपांशन पार्थ एक्सपेंशन पाथ यानी हम जितना ज्यादा लेवल आउटपुट का इंक्रीज करना चाहेंगे वैसा इनपुट हमको ऐड करना पड़ेगा तो जैसे जैसे हम इनपुट ऐड करते जाएंगे आउटपुट इंक्रीज होता जाएगा लेकिन एक सेम लाइन पे होगा तो इसको अपने एक्सपेंशन पाथ बोलते हैं देखो एक्सपेंशन पाथ ये रहा एक्सपेंशन पाथ की शॉर्ट नोट पहले रिटर्न टू स्केल क्या होता है स्केल लाइन ये आपको लीस्ट कॉस्ट कॉम्बिनेशन प्रोवाइड करती है स्केल लाइन यानी और वो भी

Production को, यानी मतलब input का बढ़ाया, तो output अगर increases by 100%, तो अगर अगर ये constant हुआ। और अगर than तो लेकिन अगर लेस देन हंड्रेड परसेंट तो इसको क्या बोलेंगे डिक्रीजिंग और हमको सक्सेसिव आईक्यूज के ऊपर ये सब मिलता है सक्सेसिव आईक्यूज के बाद एक IQs के ऊपर मिलता है। इसीलिए उस आई आईक्यूज के डिस्टेंस को अपने क्या बोलेंगे एक्सपांशन पाथ बोलेंगे लॉन्ग रन के अंदर देखो यहाँ इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल इसमें मैंने आपको बोला था कि जो गैप है ना ए बी उसकी गैप ज्यादा है फिर बी सी कम फिर सी डी और कम यानी गैप कम होती जाए तो वो इंक्रीजिंग रिटर्न गैप सेम रहे तो कॉन्स्टेंट रिटर्न गैप इंक्रीज होती जाए तो डिक्रीजिंग रिटर्न उल्टा है याद रखना ये अब इंटरनल इकोनॉमी एंड डिस इकोनॉमिक तो इसमें नाम याद रखने के लेबर इकोनॉमिक टेक्निकल मैनेजरियल मार्केटिंग और फाइनेंशियल इकोनॉमिक फिर इंटरनल डिस में प्राइस ऑफ इनपुट टेक्निकल डिस इकोनॉमी मैनेजरियल डिस इसको एक बार रीड कर लीजिएगा एंड लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट का जो होता है वो हमेशा यू शेप होता है उसके पीछे का कारण इंटरनल इकोनॉमिक एंड डिस इकोनॉमिक अब एक्सटर्नल इकोनॉमिक एक्सटर्नल इकोनॉमीज में क्या होता है इकोनॉमिक कॉन्सेंट्रेशन बैंकिंग इंश्योरेंस ये सब बराबर डेवलप होगा डेवलपमेंट ऑफ सब कॉमन फैसिलिटीज बाय प्रोड्यूसर्स एसोसिएशन यानी इंस्पेक्शन लेबोरेटरी ट्रेनिंग सेंटर ये सब रेगुलर सप्लाई मटेरियल का मिलेगा लेकिन डिस इकोनॉमीज भी होती है जैसे फैक्ट्रीज ऑफ प्रोडक्शन की प्राइस का इंक्रीज हो जाना इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज पे और ज्यादा प्रेशर बढ़ना रेंट और दूसरे चार्जेस का बढ़ जाना ये सब के कारण भी क्या होता है इसके कारण भी तुम्हारा डिक्रीज फिर इंक्रीज होगा तो एक्सटर्नल इंटरनल डोनर इकोनॉमी डिस इकोनॉमी के कारण पूछा जाएगा आपको कि जो डायग्राम एवरेज कॉस्ट का होगा वो लॉन्ग रन में कैसा होगा तो यूशेप्ड होगा याद रखना है ये इतना तो ये आपका सेकेंड मिनिट जो सबसे ईजी है वो कम्प्लीट होगा